हेलो एवरीवन, सब नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो टॉपिक कर रहे थे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो की वीडियोस आप लोग देख चुके हैं और उसकी प्रैक्टिस भी आप कर चुके हैं। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि लगभग एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर जैसा ही है, सिर्फ कुछ चीज़ डिफरेंट है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? गुडविल एक ऐसी चीज़ है, जब पार्टनर बिजनेस से छोड़कर जाता है तो वो उसमें हिस्सा मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि उसने फर्म में क्या किया, अपनी ऑनेस्टी लगाई थी, उसने फर्म में अपना हार्डवर्क लगाया था, उसने फर्म में अपनी सिंसियरिटी दी थी, कैपिटल दिया था, जिसकी वजह से फर्म की गुडविल बढ़ती जा रही थी। ठीक है, जब भी वो बीच में ईयर के स्टार्टिंग में या ईयर के बीच में रिटायरमेंट लेकर जाएगा तो वो कहेगा कि अब मैं आगे तो प्रॉफिट में हिस्सा लूँगा नहीं, क्योंकि जब वो रिटायर होकर जा रहा है तो आप उसे प्रॉफिट में हिस्सा तो देंगे नहीं, लेकिन जो गुडविल उसकी वजह से आपने कमाई है उसमें उसे हिस्सा दीजिए, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है। मतलब जो प्रॉफिट आप पहले उसे दे रहे थे, अब वो प्रॉफिट उसे नहीं मिलेगा, तो वो अपना प्रॉफिट आपको देकर जा रहा है, सेक्रीफाइस करके जा रहा है, तो सेक्रीफाइस के बदले में वो आपसे गुडविल का हिस्सा मांगेगा। क्लियर है? तो गुडविल कैसे ट्रीट करनी है, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट केस। वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डू फर्स्ट केस। केस वन इज सेइंग दैट व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स, इट मींस अगर आपके पास ऑलरेडी बैलेंस शीट में कुछ गुडविल पड़ी हुई है तो उस गुडविल को आपको सबसे पहले राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, और गुडविल राइट ऑफ जैसे आप एडमिशन वाले चैप्टर में करते थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ करेंगे। ईयर के स्टार्टिंग में कुछ गुडविल आपके पास पड़ी हुई है, अब एक पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है तो ऑब्वियसली पुरानी वाली पार्टनरशिप तो ख़त्म हो जाएगी, नई पार्टनरशिप बनेगी, तो पुराना जो कुछ भी पड़ा है सब खत्म करना पड़ेगा। तो गुडविल को आप राइट ऑफ कर रहे हो। गुडविल क्या, कौन सा बैलेंस लेकर चलती है? गुडविल डेबिट बैलेंस लेकर चलती है। आप सभी ने किया होगा, प्लस वन में गुडविल एसेट होती है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो अब उसे ख़त्म करना है। जब किसी चीज़ को ख़त्म करना होता है, राइट ऑफ करना होता है या डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं। यानी कि अभी गुडविल डेबिट साइड है तो राइट ऑफ करने के टाइम उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अपोजिट साइड पर। क्लियर है? और किस में डिस्ट्रीब्यूट होगे गुडविल? ऑल पार्टनर्स में। ठीक है, तो एंट्री भी वही बन जाएगी आपकी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में करेंगे आप? इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो यानी रिटायरमेंट से पहले जो रेशियो क्वेश्चन में थी या पार्टनरशिप डीड में थी, उस रेशियो में हम सभी पार्टनर्स को वो गुडविल बांट देंगे। बात समझ आई? सेकंड केस कहता है व्हेन गुडविल, सॉरी, व्हेन शेयर ऑफ गुडविल गिवन टू रिटायरिंग पार्टनर। जब आप रिटायरमेंट लेकर जाने वाले पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस टाइम पर क्या जर्नल एंट्री आपकी बनेगी? ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक पार्टनर अपने बिजनेस से सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर प्रॉफिट और बिजनेस छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो आप सेक्रीफाइस करने के बदले में उसे कुछ हिस्सा दे रहे हैं, तो वो क्या है? वो रिसीवर है, क्योंकि उसको आप कैश दे रहे हो। ठीक है, और जो पार्टनर अपना शेयर अभी छोड़कर जा रहा है, वो प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? बाकी बचे हुए पार्टनर्स को। सपोज़ मैं हूँ और मेरे साथ दो लोग और पार्टनरशिप में हैं, मैं अगर बिजनेस छोड़ के चली जाऊँ तो जो प्रॉफिट पहले मैं ले रही थी, वो प्रॉफिट अब ए और बी यानी जो बाकी दो पार्टनर्स हैं उनको मिलेगा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो कौन हो गए? वो गेनिंग पार्टनर हो गए। क्यों हो गए गेनिंग पार्टनर? क्योंकि मैं अपना प्रॉफिट उन्हें देकर जा रही हूँ। समझ आई बात? तो वहीं से जर्नल एंट्री बनेगी आपकी, गेनिंग पार्टनर से पैसा लेकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आपने देना है, तो एंट्री आपकी बन जाएगी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर का मतलब जो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, और कॉन्टिन्यूइंग का मतलब इसके जाने के बाद जो लोग बिजनेस में बच गए हैं उनका अकाउंट। ठीक है, डेबिट हो जाएगा किस रेशियो में, इन गेनिंग रेशियो। आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है गेनिंग रेशियो में। अब एक बात बताइए, क्या फर्म की पूरी गुडविल आप उनको दे दोगे, जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, क्या सारी गुडविल आप उसे दे दोगे? नहीं ना, क्योंकि गुडविल में आप लोगों का भी तो हिस्सा है। जो फर्म की गुडविल क्रिएट हुई है वो सिर्फ उसके हार्डवर्क से थोड़ी ना बनी है, उसमें आपका भी हार्डवर्क है। तो आप क्या करोगे, जब वो जा रहा होगा उसको सिर्फ उसी का शेयर आप दोगे। ठीक है, तो पूरी की पूरी फर्म की गुडविल में आपने क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर उसे देना है। तो इसीलिए जर्नल एंट्री में भी क्या आएगा, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, जो पार्टनर बिजनेस से रिटायर होकर जा रहा है उसी का शेयर दोगे आप, पूरी फर्म की गुडविल नहीं दे दोगे, और गेनिंग रेशियो में आप दोगे। क्लियर है? अब ये जो एंट्रीज हैं आप पहले एक बार उनको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। लेट सी द एग्जाम्पल। ए बी सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 एंड गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द बुक्स इज 1,80,000। गुडविल जो ऑलरेडी बुक्स में पड़ी है वो है 1,80,000, यानी केस नंबर 1। ठीक है, आगे वो कहता है सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, फर्म से सी रिटायर होकर जाता है, एंड ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ फर्म इज 1,20,000। जिस डेट पर वो रिटायर होता है उस डेट पर फर्म की गुडविल है 1,20,000, यानी कि ये वाला केस कि उसकी रिटायरमेंट के टाइम पर फर्म की गुडविल 1,20,000 है। ठीक है, आगे वो कहता है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर सीज रिटायरमेंट, सी की रिटायरमेंट के बाद जो फर्म का प्रॉफिट है वो है 1,00,000। तो पहले आप मुझे ये बताइए, जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसके बाद आपकी फर्म प्रॉफिट कमा रही है, तो क्या उस प्रॉफिट में आप उस रिटायरिंग पार्टनर को हिस्सा दोगे? दोगे नहीं, क्योंकि वो पार्टनर तो कंपनी छोड़ के चला गया ना, तो उसको हिस्से देने की तो बात ही नहीं आती है। ठीक है, यानी कि उसकी रिटायरमेंट के बाद जितना भी प्रॉफिट है 1,00,000, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा रिमेनिंग पार्टनर्स में, रिमेनिंग या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। बात समझ आई यहां तक? अब हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है, आपने क्या करना है, सबसे पहले पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना होता है, उसके बाद ही आप अगले की एंट्री करोगे। तो पुरानी गुडविल कितनी है आपके पास, ये वाली, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगी ऑल पार्टनर्स में दिस एंट्री। ठीक है, तो ऑल पार्टनर का नाम लिख लीजिए आप, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आपने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक बात का ध्यान रखना है, नरेशन मिस नहीं करनी, अगर आपने नरेशन नहीं लिखी ना तो एग्जाम में नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। क्लियर है? अब आपको अमाउंट्स निकालने हैं, गुडविल टोटल कितनी है 1,80,000। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लुक हियर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। तो आप क्या करेंगे, ए का हिस्सा अगर आपको निकालना है, 1,80,000 इंटू ए का शेयर कितना है 3, कितने में से है 3 + 2 + 1, 6 में से 3, तो 3/6, 6 से कैंसिल हो गया, 6 × 3 = 18 एंड 3 × 3 = 9, 90,000 ए के अकाउंट में। क्लियर हो गया? अब इसी तरह बी का निकालिए, 1,80,000 2, क्योंकि बी के लिए है 2 × 6, अगेन 6 × 3 = 18, 3 × 2 = 6, 60,000। ठीक है, नेक्स्ट सी का निकालिए, 1,80,000 इंटू 1/6, 6 से कैंसिल आउट होगा, 6 × 3 = 18। ठीक है, तो ये 30,000 आपका आ गया यहाँ पर। क्लियर है? देख लीजिए इसका टोटल इसके बराबर आ रहा है, आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आपकी एंट्री गलत है। क्लियर हो गया? अब हम अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। सेकेंड एंट्री क्या कहती है कि जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसे गुडविल में हिस्सा दीजिए। तो आपकी सेकेंड एंट्री ये है, कॉन्टिन्यूइंग टू रिटायरिंग। कॉन्टिन्यूइंग कौन है? अगर सी रिटायर होकर जा रहा है तो ये दोनों कॉन्टिन्यूइंग हो गए, मतलब आगे बिजनेस में यही दोनों बच रहे हैं ना। तो एंट्री बनाइए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल. क्यों आया सी का नाम? क्योंकि टू रिटायरिंग पार्टनर है. देखिए बिजनेस में एक से ज़्यादा लोग भी रिटायर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टनर रिटायर होता है. लेकिन आपके पास जो क्वेश्चंस हैं नॉर्मली उनमें एक ही पार्टनर रिटायर हो रहा है, इसीलिए हम इसी एंट्री के थ्रू काम कर रहे हैं. ठीक है, तो एज अकाउंट बीज अकाउंट टू सीज कैपिटल अमाउंट कितनी है? 1,20,000. अब क्या मुझे यहाँ 120 लिख देना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये किसकी गुडविल है? ये तो फर्म की गुडविल है. तो पहले ये तो निकालो कि पूरी की पूरी 1,20,000 की अगर गुडविल फर्म की है तो उसमें मिस्टर सी का हिस्सा कितना है, क्योंकि मैं तो उसको उसका हिस्सा ही दूंगा. ठीक है, तो 1,20,000 सी का हिस्सा आपने निकालना है. सी ये है 1/6, 6×2=12, यानी कि सी के अकाउंट में 20,000 की अमाउंट जानी चाहिए. ठीक है, अब किस रेशो में जानी चाहिए? इन गेनिंग रेशो. गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको ऑलरेडी बताया पिछली वीडियोस में कि अगर पार्टनर की रेशो के बाद बोल दिया जाए कि एक पार्टनर रिटायर हो गया है तो सिंपल न्यू रेशो क्या बन जाती है? सी को हटा दो. ठीक है, सी को हटा दो, न्यू रेशो 3:2. ठीक है, और जो न्यू रेशो आती है ना वही फिर आपकी गेनिंग रेशो हो जाती है. क्यों हो जाती है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो यानी कि ये 20,000 किस रेशो में बटेगा? 3:2 रेशो में. ठीक है जी, हम बांट देते हैं. हमने बांटा 20,000 ए के अकाउंट के लिए 3/5 एंड बी के अकाउंट के लिए 20,000 2/5. 5×4=20, 4×3=12, 12,000 एंड दूसरा आ जाएगा आपका 8,000. ठीक है जी, क्लियर है. अब आपने यहाँ क्या करना है, इसकी नरेशन लिख देनी है. विदाउट नरेशन नहीं चलेंगे आप. थर्ड एंट्री, वैसे मुझे पता है मैं जो इंस्ट्रक्शन देती हूँ आप फॉलो करते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट एंट्री क्या है? प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर सीज रिटायरमेंट इज 1,00,000. सी की रिटायरमेंट के बाद फर्म का प्रॉफिट है 1,00,000 जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है जी, सी तो कट गया, हट गया बिजनेस से. अब रह गया हमारे पास ए और बी. ए और बी को प्रॉफिट देना है. अब एंट्री कैसे बनाएं? आपको पता होगा हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाकर बांट दिया जाता है. ठीक है, तो एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आएगा, ये तो क्लियर है. मगर किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा? इसके लिए मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ. इनकम एंड गेन्स, इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि हमारा गोल्डन रूल जो है अकाउंट्स का वो कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. अब इनकम यानी कि प्रॉफिट हो रहा है मुझे, उसका क्रेडिट बैलेंस है. और अगर उसे बांटना है तो मैंने अभी बताया था बांटने के लिए हमेशा क्या करना होता है, अपोजिट साइड में जाना होता है, यानी कि डेबिट साइड में. तो अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ आएगा? डेबिट साइड में. ठीक है जी, वेरी गुड. तो हमारे पास एंट्री आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. ठीक है, 1,00,000 की अमाउंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगी न्यू रेशो में. अब न्यू रेशो चलेगी आपकी. न्यू रेशो क्या है? अगर ये हट गया तो न्यू रेशो 3:2 थी ना, तो 3:2 आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 60,000 एंड 40,000. ठीक है, 60,000 एंड 40,000, एंट्री क्लोज नरेशन के साथ, काम खत्म. है कुछ मुश्किल? समझ आ गया? अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाना चाहूंगी जो एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है आजकल. ठीक है, वैसे तो बेसिक यही था, और ये जो एंट्री थी ना ये वाली फॉर्म की, ये गुडविल का पॉइंट नहीं था, बट मैंने इसीलिए करवा दिया क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है. अब बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली, गुडविल का केस पढ़कर चले जाते हैं और उसके आगे इस वाली एंट्री में फंस जाते हैं फिर. ठीक है, नंबर ख़राब कर लेते हैं. तो इसीलिए मैंने ये चीज़ भी आपको साथ के साथ ही बता दी है. चलिए अब हम करते हैं एक थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन. टफ देखिए कुछ नहीं है, इतना भी टफ नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम करने जा रहे हैं. एक मिनट, मुझे शॉर्ट में क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखने दीजिए. एग्जाम्पल है आपके पास, सपोज करते हैं ए बी सी एंड डी पार्टनर्स हैं एंड दे हैव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1. डी रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस. ठीक है, और इसकी रिटायरमेंट के बाद जो फर्म के पास न्यू रेशियो आती है वो है आपकी 3:1:1. ठीक है, और इसकी रिटायरमेंट पर
जो गुडविल है फर्म की, दैट इज 360,000 पास द जर्नल एंट्री। बहुत आसान है। सबसे पहली बात, ओल्ड रेशो आपके पास है, न्यू रेशो आपके पास है, तो गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी क्योंकि पार्टनर रिटायर हो रहा है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आप सबको पता है, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो गेनिंग रेशो ऑफ ए, ए की गेनिंग रेशो कितनी होगी निकालते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, फॉर्मूला यही क्यों बना, न्यू रेशो माइनस ओल्ड ही क्यों बना फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू क्यों नहीं बना, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ दूसरी वीडियोस में, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि गेनिंग का मतलब होता है कि मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, सपोज मेरे पास आज 50 रुपीज़ हैं और इन फ्यूचर मुझे 60 रुपीज़ मिलने वाले हैं, तो मुझे फ़ायदा कितना हुआ, गेन कितना हुआ, कैसे निकालोगे? 60 माइनस 50 ना, ये मुझे पहले मिल रहे थे, अब मुझे 60 मिल रहे हैं, तो गेन कैसे हुआ, दिस माइनस दिस, इसीलिए न्यू माइनस ओल्ड रेशो फॉर्मूला बन गया। ठीक है, निकालते हैं 3, इसका न्यू रेशो कितना है, वो रहा 3 by 5 माइनस 3 by 8। ठीक है, ये आपने एलसीएम लिया, 5 8 8 3 24 8 5 5 3 15 that is 9 by 40। इसी तरह अब आप निकाल लीजिए गेनिंग रेशो ऑफ बी, बी की गेनिंग रेशो, न्यू रेशो है उनके पास 1 by 5 माइनस ओल्ड थी उनके पास 2 by 8, दैट इज़ एलसीएम लीजिए 5 8 8 5 5 2 10। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ रही है क्योंकि छोटी वाली वैल्यू में से बड़ी वाली माइनस करते हैं तो साइन बड़े वाले का आता है, यानी कि माइनस 2 आ गया। ठीक है, चलिए क्यों आया, कैसे आया, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम रेशोज़ निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशो ऑफ सी, सी के निकाले हम रेशो तो कितना बनता है, 1 by 5 माइनस 2 by 8। अगेन जब आप इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये फिर से माइनस का 2 by 40 आ गया। अब इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन करवाया। ठीक है, गेनिंग रेशो कब होती है, जब आपके पास पॉजिटिव में आता है, कैसे, न्यू माइनस ओल्ड है ना फॉर्मूला, यानी कि अभी मुझे 24 रुपीज़ मिल रहे हैं, पहले मुझे 15 मिल रहे थे, यानी कि मुझे गेन हुआ है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, अभी मुझे 8 रुपये मिल रहे हैं, पहले मुझे 10 मिल रहे थे, तो ये गेन कहाँ हुआ, ये तो लॉस हो गया, यानी कि मुझे कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ा। ये गेन कर रहा है मगर ये सेक्रीफाइस कर रहा है, इसी तरह ये पर्सन भी सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा तब होता है जब अगर पार्टनर जो हमारे बिजनेस में है वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, या कोई और रीज़न है, या म्यूचुअल एग्रीमेंट की वजह से भी हम इनका रेशो कम कर देते हैं, हम इनका शेयर कम कर देते हैं, तो ये पार्टनर गेनिंग ना बनकर सेक्रीफाइसिंग बन जाते हैं। ठीक है, अब जर्नल एंट्री देखिए कैसे बनेगी। एंट्री में हमेशा गेनिंग को डेबिट करना, ये मैंने बताया। तो गेनिंग कौन है, गेनिंग तो सिंपल ए है ना, बाकी लोग तो सेक्रीफाइसिंग हो गए, तो एंट्री आपकी बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग को मैंने डेबिट किया 2। अब देखिए ये, हालांकि ये दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूइंग पार्टनर हैं, लेकिन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होने की वजह से हमें इनको भी क्रेडिट में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप डालोगे 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट, 2 डीज, डी तो जा ही रहे हैं ऑटोमेटिकली, वो तो है ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, 2 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि अमाउंट कैसे डालें। देखिए ये तो बहुत आसान है आपके लिए कि जो पार्टनर रिटायर होके जाता है, आप क्या करते हो, फर्म के गुडविल पर उस इंसान का हिस्सा निकाल लेते हो। तो आप इसके ऊपर अगर डी का शेयर निकालना चाहो तो 360,000 के ऊपर आप उसका शेयर निकाल लोगे। ठीक है, 1 by 8, तो आप सॉल्व करेंगे 8 4 and 8 5। ठीक है, 45,000 आ गया। तो इसके पास तो हमने 45,000 ऑटोमेटिकली डाल दिया। अब इन दोनों का क्या किया जाए, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे आपने इस गुडविल के ऊपर इसका शेयर निकाला, वैसे ही फॉर्म की गुडविल पर इन दोनों का भी शेयर निकालोगे, मगर कौन सा शेयर, सेक्रीफाइसिंग शेयर, क्योंकि आप जानना चाहते हो कि इन दोनों ने कितना सेक्रीफाइस किया, इसीलिए आप सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालोगे। तो आप बी का निकाल लीजिए 360,000 के ऊपर, वो कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, 2 by 40 से। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सी के अकाउंट में भी
360,000 इंटू 2/40 से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आ गया 18,000। क्लियर है? आपको अमाउंट्स मिल चुके हैं, अमाउंट्स उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए, 18,000 एंड इन सब का टोटल 81,000। ठीक है, यानी कि ये सभी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और सेक्रीफाइस करके अपना कितना हिस्सा देकर जा रहे हैं मिस्टर ए को, ये सभी 81,000 मिस्टर ए को देंगे। क्लियर है? उसके बाद आपने नरेशन बना देनी है, बस। क्या मुश्किल है इसमें? है ना, बहुत इजी। तो अब आप अपनी बुक में से इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये नॉलेज पहुँच सके। आप लोग ऐसा करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और फिर मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के लेकर आऊँगी। ठीक है, थैंक यू।